भारत माता की जय। आज मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव था और पहला चुनाव जो होता है वो हर तरीके की, जैसे आप जानते हैं, अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ होता है और ये मेरी पहली जीत भी है। इसके लिए मैं दिल से आभार करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन जो है वो लीड किया, हमारे सारे विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूँ वो मंडी की जनता का, जिन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचाया। और मैं आश्वासन देती हूँ कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है, उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। और इसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला आज वो दिन है जिसमें हमें न कि सिर्फ एक जीत मिली है, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा, एक ऐतिहासिक लीड जो है हमें लगभग सभी क्षेत्रों से जो है वो मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो मंडी की जनता है वो अब अपनी बेटी में, अपनी कंगना में, अपनी बहन में जो है विश्वास रखती है। और ये जो परिवारवाद की जो ये राजनीति है उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर लड़ा गया है और इसमें जब मेरा कैंडिडेचर भी अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये जो चुनाव है, हम तो अभी बहुत नए हैं, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, हमारा राजनीति में अपना कुछ अभी तक कोई योगदान भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, तो निश्चय ही बात है हमने जो हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है। और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीजें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। धन्यवाद। जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर लिया, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं। बहुत सारे जो काम है वो जब कांग्रेस की एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, टनल है, हाईवेज है, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं उनके लाभार्थी काम, तो खैर अब मैं बात करने लगूं तो यहाँ पर बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। और हमें जो है अब जिस तरह से आदेश होंगे और जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से जो है हम काम करेंगे। कुछ वक्त जो है मुझे देखने में कि पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीजें जो रोक के रखी हैं उसमें काफी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जो है वो काम है, तो खैर उसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।